मॉर्निंग माय डियर किड्स, अब हम अपना वापस स्टडीज़ पे ध्यान देंगे. ओके, तो आज से हम अपनी स्टडीज़ वापस स्टार्ट कर रहे हैं. तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था. और अब हम पार्ट दूसरा करेंगे, वर्ण और वर्णमाला. ओके, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था भाषा, वो हमने अच्छे से कर लिया था. ओके, तो अब हम पार्ट दूसरा करते हैं, वर्ण और वर्णमाला. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण होता क्या है. ओके, और उससे जो वर्णमाला बनती है वो क्या होता है. तो वर्ण होता है लेटर. देखो क्या होता है वर्ण, लेटर. जैसे हम जो भी लिख रहे हैं वो सब क्या है, लेटर. इंग्लिश में हम लेटर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है. और हिंदी में हम लिखते हैं क ख ग. ओके, तो ये सब क्या है, अपने वर्ण है. तो मानव पकड़ो, अमन फेंको. तो मानव, तो म म, अब मानव कैसे बना बच्चों, तो ये क्या है म. ओके, म और उसमें हमने क्या जोड़ा, आ, क्योंकि उसमें आ की मात्रा है, वो स्वर है. ओके, न और व, ठीक है, जो मात्रा है उसे हमने जोड़ ली, मानव. अब पकड़, अब ओ की मात्रा है तो हमने ओ लिख दिया, मानव पकड़ो, ठीक है. अब अमन फेंको, तो अमन, अमन फेंको, तो मात्रा आ रही है फ ए क ओ, फेंको, ठीक है. तो वर्ण क्या होते हैं, जो हमें ऊपर दिए गए हैं, ऊपर दिए गए चित्र में जो मानव और अमन अपने मुख से अलग अलग ध्वनि निकाल रहे हैं. अब मानव फेंको, तो अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं, ध्वनि निकाल रहे हैं. और ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं, ठीक है. इन्हीं ध्वनियों को क्या बोलते हैं, वर्ण कहलाते हैं. मतलब जो अपने माउथ से ये अपने वर्ड्स निकाल रहे हैं, ये सब क्या है, वर्ण है, ठीक है. तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हिंदी में 44 वर्ण होते हैं. ओके, एक क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. अब जब हम वर्णों को, हमारे जो वर्ण हैं 44 वर्ण हैं, इन्हें हम सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला. ओके, तो वर्णों के समूह, क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. तो बच्चों ये याद रखना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं. ओके, और वर्ण के प्रकार अब हम पढ़ेंगे. वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन. हिंदी में भी, इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं कि अपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके टू टाइप्स होते हैं, वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स, ठीक है. और हिंदी में भी वर्ण जो होते हैं उनके लेटर्स के कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर आपको अच्छे से आते हैं, व्यंजन भी आपको अच्छे से आते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं आपकी पिछली क्लास में. तो स्वर, स्वर क्या होते हैं, स्वर 11 स्वर होते हैं. अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से एक, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐना, को से ओखली, औ से औरत. ओके, अंग और अह स्वर में नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, अतिरिक्त होंगे, अतिरिक्त वर्ण है, जैसे क्योंकि उन्हें अनुनासिक और अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है. अंग अह और अह, ठीक है. सो आपको ये 11 जो स्वर होते हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं. और जो 33 व्यंजन होते हैं, क्योंकि दो प्रकार होते हैं ना, स्वर और व्यंजन. तो अभी हमने स्वर करे हैं, फिर है हमारा व्यंजन. तो व्यंजन हमारे 33 व्यंजन होते हैं, क ख ग ग ण च छ ज ज ण त थ ड ड ण त थ द द न प फ ब भ म य र ल व श श स ह. अक्षत्र ज्ञ, ये सब क्या होंगे, अपने संयुक्त व्यंजन में आएंगे. तो ये सारे हमारे अतिरिक्त होंगे, ठीक है. तो 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं. तो आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, आपको डेट डालनी है. ओके, उसके बाद आप लिखेंगे पार्ट दो, वर्ण और वर्णमाला. फिर आप लिखेंगे वर्ण के प्रकार,
स्वर और व्यंजन, तो आपको पहले स्वर लिखना है फिर व्यंजन करना है। ओके, तो जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो सब हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको स्वर व्यंजन आपको अच्छे से आने चाहिए, इसलिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी में स्वर लिखेंगे और फिर व्यंजन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये स्टार्ट कर लेना है अपनी कॉपी में, हिंदी व्याकरण की कॉपी में। क्या राइट डाउन करोगे आप? स्वर व्यंजन, तो आप स्वर लिखेंगे जो 11 स्वर होते हैं, और जो अपने व्यंजन होते हैं 33 वो आप लिखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, जब मानव जो मुख से अपनी ध्वनियाँ निकलती है, अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है, इसे हम वर्ण कहते हैं, और जब हम इसे क्रम में लिखते हैं तो वो हमारे वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, अब आपको रेगुलर स्टडीज करनी है किड्स। ठीक है, और ये आपकी हिंदी व्याकरण की किताब है, आप अपना वर्क कर लीजिएगा। ओके, स्टे एट होम, बी सेफ।